नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। इस फिल्म ने रिलीज होते ही कमाई के मामले में कई बड़ी फिल्मों को मात दे दी है। पुष्पा ने अक्षय की सूर्यवंशी से लेकर सलमान की अंतिम समेत कई फिल्मों को धूल चटा दी है। फिल्म पुष्पा में इन दोनों की जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। अब फिल्म पुष्पा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हाल ही में हमने आपको बताया था कि फिल्म पुष्पा ने रिलीज से पहले 250 करोड़ रुपए की रकम हासिल कर ली थी। रिपोर्ट्स में बताया गया था कि फिल्म के डिजिटल राइट्स के लिए मेकर्स ने 250 करोड़ रुपए की डील की है। अगर ये खबर सच है तो आपको बता दें कि फिल्म अपनी लागत निकालते हुए मुनाफे की ओर बढ़ चुकी है। लाल चंदन लकड़ी की तस्करी पर आधारित इस फिल्म ने डिजिटल और OTT राइट्स बेचने के मामले में भी कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। दरअसल सलमान की फिल्म राधे के राइट्स 230 करोड़ रुपए में बेचे गए थे। वहीं अक्षय कुमार की सूर्यवंशी को लेकर ऐसा कहा गया था कि इस फिल्म के डिजिटल राइट्स 100 करोड़ रुपए में बेचे गए। वहीं अजय की भुज द प्राइड ऑफ इंडिया के राइट्स 105 करोड़ रुपए में बेचे गए थे। इतना ही नहीं, सैफ की भूत पुलिस को OTT पर 60 करोड़ रुपए में बेचा गया था। OTT पर अपनी फिल्मों के राइट्स को बेचने के मामले में भी अल्लू अर्जुन की पुष्पा सबसे आगे निकल गई है। बता दें कि पुष्पा ने रिलीज होते ही रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है। जहां पुष्पा भारत में इस साल पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है, वहीं विदेश में भी अल्लू अर्जुन की पुष्पा सफलता के झंडे गाड़ रही है। फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था तब हर किसी ने सोचा था कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई करेगी, और अब ऐसा होता ही दिख रहा है। फिल्म में एक्शन के साथ साथ रोमांस का तड़का तो देखने को मिला ही है। साथ ही साउथ की जानी मानी एक्ट्रेस सामंथा ने भी अपने आइटम सॉन्ग से लोगों का दिल जीत लिया है। इन दिनों साउथ की फिल्मों का बोलबाला कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के सामने बॉलीवुड के सभी स्टार्स फीके पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर कितने दिनों तक टिक पाती है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी फिल्मी दुनिया से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।